जी स्टूडेंट्स, होपफुली कल के पेपर के लिए आपने अच्छी तैयारी की होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि जेएनके के रिलेटेड जितने भी नए टॉपिक्स हिस्ट्री में ऐड हुए हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप उन्हें एक दो बार ज़रूर रीड कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, क्या इन दो चैप्टर्स में से शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? तो नहीं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। इन दोनों चैप्टर से आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैप्स पर मैंने एक वीडियो बनाई है, जो इम्पोर्टेंट मैप्स हैं उन पर मैंने वीडियो बना के रखी है, आप उसको देखें। होपफुली उनमें से ही आपको एग्जाम में मैप जो है वो पूछा जाएगा। एक मैप बहुत इम्पोर्टेंट है उनमें से, कि जो हमारी नेशनल हाईवे 44 है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, उस पर जो मेन मेन सिटीज हैं वो आप देख लेना, वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे चंडीगढ़ है, लुधियाना है, पठानकोट है, जम्मू, श्रीनगर, ठीक है, आगरा, दिल्ली वगैरह, आप इनको देख लेना। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो ऐसे कि कुछ क्वेश्चंस को लिटिल बिट चेंजेस के साथ पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, की ज्योग्राफी का एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, एक क्वेश्चन की, कि आपने क्वेश्चन लर्न किया है, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस इन इंडिया। अब देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द मेन करेक्टरिस्टिक्स और मेन फीचर्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों का आंसर जो है वो एक ही है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, कि जैसे पावर शेयरिंग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, कि वट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वट इज हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी क्वेश्चन में है जो आपने याद किया है, वट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। एक और देख लें, जैसे कि वट इज बाई पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिए, ये तीन अलग अलग पार्ट्स हैं, तो इनको एक ही क्वेश्चन में मिलाकर पूछा जा सकता है, कि जैसे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम फाउंड इन द वर्ल्ड, क्लियर। तो देखिए, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, आसानी के साथ आप आंसर जो है वो लिख सकते हैं, क्लियर। होपफुली आपको यहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। स्टूडेंट्स, कल के पेपर के लिए आप अच्छी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।